अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सोबिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मेरी रेसिपीज़ भी सबको पसंद आ रही होंगी। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। आज मैं एक और बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का बोटी। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो चले हम चिकन टिक्का बोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन टिक्का बोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है और मैंने उसे खुद इस तरह पीसीज में कट कर लिया है और मैंने चिकन का साइज़ ये रखा है। आप चाहें तो मार्केट से भी इस साइज़ की बोटी करवा सकते हैं। तो अब मैं इसे बाउल में ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून नमक ऐड करूंगी, हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करूंगी, 1/3 टीस्पून जीरा ऐड करूंगी, 1/3 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करूंगी और 1 टेबलस्पून मैं तिक्का मसाला ऐड करूंगी इसमें। और 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करूंगी और 1 टेबलस्पून दही ऐड करूंगी और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करूंगी। आप चाहें तो इसमें दूसरा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसे 1 घंटे के लिए रखिएगा। चिकन को मैरिनेट किए हुए मुझे आधा घंटा हो गया है। तो अब मैं इसे मिक्स करूंगी। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया और मैंने यहाँ पे बारबेक्यू स्टिक्स लिए हैं, ये अब मैं चिकन को इस पे लगाऊंगी। बहुत ही इजी है लगाना, हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे। एक स्टिक पे हम 4 से 5 लगाएंगे। इसी तरह मैं सारे लगा लूंगी। अब मैं इन पे हल्का हल्का ऑयल लगाऊंगी। चिकन टिक्का बोटी मैं घर पे बना रही हूँ और मैं इन्हें ग्रिल नहीं करूंगी, मैं इन्हें बनाऊंगी तवे पे। आप चाहें तो इसे फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। अब मैं तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। मैंने तवा गरम करने के लिए फ्लेम ऑन कर दी है। तवा गरम हो गया, अब हम इन्हें रेडी करेंगे। फ्लेम हमारी लो है, मैं एक साइड से 2 मिनट कुक करूंगी इन्हें और फिर साइड चेंज करूंगी। 2 मिनट हो गए, मैं इनकी साइड चेंज करूंगी। अब मैं इसे कवर करके कुक करूंगी।
दो मिनट हो गए हैं, मैं इनकी साइड चेंज करूंगी। चिकन टिक्का बोटी हमारी रेडी है, अब मैं इसे निकालूंगी प्लेट में। तो बहुत ही मज़े की चिकन टिक्का बोटी हमारी रेडी है। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।